हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ललिता कुकिंग चैनल में। दोस्तों, आज चूल्हा पर बनाएंगे अंडा, तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, हम अंडा उबालने के लिए चढ़ा दिए हैं इधर इधर, तब तक प्याज कट कर रहे हैं। देखिए, सब मिलके प्याज काट रहे हैं। प्याज भी कट हो गया है, अंडा भी उबल गया है। अंडा को निकाल लेते हैं पानी में से, ठंडा पानी में रख दिए हैं ठंडा होने के लिए। जब तक अंडा उधर छिला रहा है, तब तक फिर तेल गरम होने के लिए रख देते हैं। आलू भी डालेंगे, तो आलू भी निकाल लिए हैं। देखिए, अंडा चढ़ा दिए हैं फ्राई होने के लिए। अंडा फ्राई हो गया है, निकाल लेते हैं अंडा। देखिए, अंडा निकाल लेते हैं। फिर दूसरी अंडा जो बचल है वो फ्राई होने के लिए डाल देंगे। देखिए, दूसरी अंडा फ्राई होने के लिए रख दिए हैं उधर। तब तक मसाला का तैयारी कर लेते हैं। दूसरी भी अंडा फ्राई हो गया है, और इसमें जीरा मिर्ची और प्याज डाल देते हैं। दो सूखी मिर्ची डाल दिए हैं और प्याज डाल देते हैं फ्राई। प्याज भी ब्राउन कलर हो गया है। मसाला इसमें टमाटर डाल दिए हैं, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हरा मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट सब डाल करके भून लेते हैं। मसाला में हम चिकन मसाला डाल दिए हैं, एक एक पूरे पैटेक, और थोड़ा फिर बाद में डालेंगे मसाला। देखिए, भुना गया है, कितना अच्छा से तेल छोड़ दिया है। और आलू उबाल के फ्राई करके रखे थे, वो भी डाल देते हैं। अभी थोड़ा जल डाल करके भुनेंगे। आलू भून लिए हैं, अब अंडा जो रखे थे वो भी डाल देते हैं। अब सबको मिला करके थोड़ा देर भून लेते हैं, और फिर पानी डालेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप लोग इसी तरह बनाएंगे तो बनेगा। देखिए, पानी अपने अनुसार डाल दिए हैं। नमक हम अब डालेंगे, पहले नहीं डाले थे मसाला में, अब नमक डालेंगे। वीडियो में आपको नहीं दिखाए जो हम बताए, मसाला और नमक यही सब डलाया हुआ है। देखिए, ग्रेवी में उबाल आ गया है, दिखाते हैं आपको। देखिए, इधर अंडा बन के तैयार है। धनिया पत्ता डाल दिए हैं, एक थोड़ा सा कट करके धनिया पत्ता डाल दिए हैं, और गरम मसाला डाल देते हैं। देखिए, गरम मसाला डाल रहे हैं, एक सारे पैटिक डाल दिए हैं। देखिए, कितना अच्छा अंडा बन के तैयार है। फिर इधर खाने का तैयारी कर लेते हैं सब बच्चे को। देखिए, पत्ता पर देखिए कितना अच्छा कलर आया है। देखिए, सबको पत्ता पर दिखा देते हैं, फिर नीते हैं नेक्स्ट।